अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ शनाया आप दोनों यहाँ हो? मुझे लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, फैमिली के साथ होना चाहिए। दे आर वेरी टेंस्ड। ओवर टेंशन दी किसने? तेरे राजवीर की सो कॉल मासी प्रीता जी ने। सीरियसली स्केल उठा के ले आई? शौर्य बच्चा है, वो ग्रोन अप है, उसकी शादी होने वाली है, उसे इतना मारा, मतलब उनका दिमाग खराब है कुछ भी। क्या तू कहना क्या चाहती? व्हाट क्या 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 कहना चाहती हूँ? यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा लूथरा फैमिली है ना, उनका दिमाग खराब हो गया है। जिसे देखो प्रीता जी के आगे पीछे घूमते रहता है, वो जो कहती है वो सारी बातें मानते हैं, मतलब यू नो वो कुछ भी कर सकती है। सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं as if सच में प्रीता जी शौर्य की सही मां। हाँ वही तो है। माँ जैसी तो है ना वो, जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ तो उसे ऐसे ही पनिश करती है, isn't it? ऐसे पनिश करती है? कोई सगी माँ भी अपने बच्चे को ऐसे पनिश नहीं करती। और रही बात प्रीता जी को, उन्हें तो बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए शौर्य के साथ। थैंक यू, शौर्य इस घर का बेटा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई शौर्य पे हाथ उठाने की? बच्चे को सुधारने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, माँ के जिगर की जरूरत होती है। एक औरत के अंदर माँ की जरूरत होती है शनाया। तो क्या बोल रही है ये सब? और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता जी ने जो शौर्य को मारा है ना, कुछ सोच समझ के किया होगा। नहीं, एक्चुअली ये सब करने की पावर राखी माने दी प्रीता जी को, पर सच तो ये है कि प्रीता जी ने इसका गलत फायदा उठाया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शौर्य पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एंड फॉर दैट आई जस्ट हेट हर। नहीं शनाया, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एग्जैक्टली, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रीता जी ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। इनफैक्ट कोई भी माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए ऐसा ही तो करती है। और प्रीता जी शौर्य को अपना बेटा ही मानती है, तो उसी हक से किया है। रियली, किसी के कहने या मानने से कोई माँ बन जाती है? शना तू ये कैसी बातें कर रही है? चुप कर। शना बिल्कुल ठीक कह रही है। और कितनी वकालत करेगी, कितनी वकालत करेगी प्रीता जी की? हाँ उसने जो किया बिल्कुल गलत किया, समझी तू? आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? अरे प्रीता जी शौर्य की क्या, उसकी माँ है, माँ है। माँ तो दूर, वो दूर दूर तक शौर्य को जानती तक नहीं है। अरे कुछ दिनों पहले ही लूथरा परिवार में उनकी एंट्री हुई है, जान पहचान हुई है, और लूथरा परिवार के लोगों ने जगह दे दी उनको, और बच्चों ने प्यार से बात क्या कर दी, सर पे चढ़ गई, वो बिल्कुल ड्रामा शुरू कर दिया, धमाका कर दिया, भूल गई कि वो बाहर वाली है। हाँ प्रीता जी बाहर वाली नहीं है। आप दोनों क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं बताती हूँ शौर्य को उन्होंने किस हक से मारा है, मैं बताती हूँ आप सबको। तू बताएगी? तुझे कोई जरूरत नहीं बताने की, हमें सब पता है। एक्चुअली प्रीता जी सब पहले ही दिखा चुकी है कि वो लूथरा हाउस की मालकिन है, वो जो चाहे कर सकती है, जिस पे चाहे हाथ उठा सकती है। बट माइंड यू, आज तो शौर्य ने चुपचाप मार खा ली, लेकिन अगर फ्यूचर में भी प्रीता जी ने ऐसी कोई हरकत की ना, तो हो सकता है शौर्य का भी हाथ उठ जाए। हाँ तो बिल्कुल उठेगा ही, हाथ उठेगा, आंख उठेगी, और सवाल भी उठेगा। वो बच्चा पूरे घर को उठा लेगा सर पे। तुम लोग शौर्य को जानती नहीं कि वो एक एक बात का बदला लेता है? तू जाकर पिताजी को समझा देना, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मुझे कि वो शौर्य पिताजी के साथ क्या करेगा, समझी कि नहीं? मॉम एक्चुअली पता है बात क्या है? बात ये कि चाहे वो प्रीता जी हो या राजवीर, इन दोनों की वजह से ना लूथरा मैंशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। कभी राजवीर की वजह से आ जाती है, तो कभी प्रीता जी की वजह से आ जाती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास ना लूथरा मैंशन का कॉपीराइट है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सब बोलने की बात है, बस अगली बार देखना, अगर प्रीता जी की हरकतें ऐसी रही ना, तो करण जी खुद उनका हाथ पकड़ लेंगे, मतलब हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? आप दोनों को पता है कि गलती शौर्य की है, फिर भी आप दोनों मुझसे फाइट कर रहे हो? अरे गलत तो उसने किया है ना? गलत किया, चल तेरी तसल्ली के लिए हम मान लेते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन उससे ज्यादा गलत किया राजवीर और राजवीर की मासी वो प्रीता जी ने। क्या जरूरत है लूथरा हाउस के मामलों में घुसने की? और आज तो हद ही कर दिया, मार मार के उसका क्या हाल बना दिया। सीरियसली मामा,
पता है हम लोग ना बेकार में शौर्य को बोलते रहते कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो इतनी मार खाता क्या चुपचाप? इतना बड़ा लड़का ना अपनी सगी माँ की भी मार नहीं खाता है, हाँ? और फिर ये तो उसकी सगी माँ भी नहीं है, उसकी माँ जिंदा है, निधि, रीता को पता नहीं है? हाँ हाँ हाँ, और जो ऐसा मदर फेल हो चुकी है अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। ये पता है ना आपको? आंटी प्लीज, अपनी इस सो कॉल्ड बेटी से कह दीजिए कि मुझसे और मेरे नाम से दूर रहे। मैं लेता हूं क्या इसका नाम या राजवीर का नाम, बात करता हूं क्या तुम लोगों के बारे में? नहीं ना, तो मुझसे और मेरे मैटर से दूर रहो, क्योंकि तुम मेरी कोई नहीं लगती। ओके फाइन, भूल जाओ कौन किसका क्या लगता है, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती, आई एम एन आउटसाइडर। लेकिन यस, मेरे पास तुम्हें बोलने का हक है। तुम्हारे बारे में सब लोग जो कहते हैं ना, बिल्कुल सही कहते हैं। पहली बात तो बल्कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। चश्चारा पलकी शनाया, प्लीज तू इसे थोड़ी सही एडवाइस दे। हेलो मिस एडवाइस, ये अपनी सलाह की रही ना अपने पास ही रखो, ये राजवीर और उसकी मासी को जाकर दो, मेरे दामाद को देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन माँ। पलकी, ये तुम्हारी सगी मॉम है ना, एटलीस्ट इनकी बात तो मान लो, सुन लो, हमारे कान मत फाड़ो। बल्कि यू नो व्हाट, कभी कभी ना लोगों को पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी अगर वो ऐसा कुछ करते हैं ना जो लोगों को गलत लगे, तो उसके पीछे एक वजह होती है जो लोगों को पता नहीं होती। एग्जैक्टली जैसे तुम्हें नहीं पता कि शौर्य ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, राइट? बल्कि यू हैव नो आइडिया कि उसके अंदर क्या बीत रही है, कितना तूफान चल रहा है उसके अंदर, कितना टूटा और बिखरा हुआ है वो। यू जस्ट हैव नो क्लू। क्या कहा तुमने अभी सनी, क्या बोलने की कोशिश? सनी रुक, बल्कि सनी, मामा इसका प्रॉब्लम क्या है? यू नो मामा, मैं आपसे एक बात फाइनली बोल रही हूँ, अपनी बेटी पलकि से बोलो कि हमारे इस मैटर से दूर रहे, नहीं तो हम बहनों के बीच ऐसी लड़ाई होगी ना जो आपको भी पसंद नहीं आएगी। सुन बच्चे, तुझे जो करना है करना, मेरी फिक्र मत कर मैं क्या सोचती हूँ। सनी रुको, सनी रुको, तुम्हारी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि जितना शौर्य को पता है उतना तुम्हें भी पता है, तो भूल जाओ कौन किसके क्या लगते क्या हुआ है, सब कुछ भूल जाओ। सनी, लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत लोगों के अपने बिछड़ जाते हैं, और जिसकी किस्मत अच्छी होती है उन्हें मिल भी जाते हैं, लाइक शौर्य। इतने सालों बाद उसका अपना बिछड़ा हुआ भाई उसे मिल गया, उसे मिल गया। और ये रिश्ते ना खून के रिश्ते होते हैं, जो टूट के भी नहीं टूटते, नहीं टूटते, अटूट होते हैं, अटूट होते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।